दोस्तों, भारतीय सेना को कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाले सैनिकों के लिए पहली बार 40,000 स्वदेशी बुलेटप्रूफ जैकेटों की आपूर्ति की गई है। एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड के मेजर जनरल अनिल ओबेरॉय ने कहा, हमें उम्मीद है कि हम सेना के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट के ऑर्डर को अच्छी तरह से समय से पहले मुहैया करा देंगे। उन्होंने आगे बताया कि हमें पहले साल में 36,000 जैकेटों की आपूर्ति करनी थी, लेकिन हम समय से पहले हैं और हमने भारतीय सेना को 40,000 जैकेटों की आपूर्ति की है। सरकार ने ये ऑर्डर पूरा करने के लिए कंपनी को 2021 तक का समय दिया था, लेकिन 2020 के अंत तक सारे जैकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। बता दें कि पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी निर्माता एसएमपीपी लिमिटेड को 1,80,000 से अधिक बुलेटप्रूफ जैकेट प्रदान करने का ठेका दिया था। बताया गया है कि जैकेटों को कानपुर में केंद्रीय ऑर्डिनेंस डिपो को आपूर्ति की जा रही है, जहां से उन्हें जम्मू और कश्मीर और अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ओबेरॉय ने दावा किया है कि बुलेटप्रूफ जैकेट AK-47 राइफल के हमले का भी सामना कर सकती है। उन्होंने कहा, देश में बनी यह बुलेटप्रूफ जैकेट्स हार्ड स्टील से बनी गोलियां झेल सकती है। AK-47 और कई अन्य हथियार इस पर बेहतर होंगे। हमारी जैकेट इसके प्रभाव को कम कर देगी। ओबेरॉय ने कहा है कि हमने बुलेटप्रूफ जैकेट्स के साथ ऐसे हेलमेट भी बनाए हैं जो AK-47 हार्ड स्टील कोर गोला बारूद के खिलाफ सैनिकों की रक्षा कर सकते हैं। इसमें फेशियल विसर भी होगा। हम अपने सैनिकों के सिर से पेड़ तक का ख्याल रखेंगे। ओबेरॉय ने बताया कि कंपनी के हेलमेट पहले से ही भारत में विभिन्न सशस्त्र बलों या केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा उपयोग में किए जा रहे हैं।